स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। टोटल 10 सवाल हैं आप लोगों के लिए, आप लोग अटेम्प्ट करिए जैसा कि करते आ रहे हैं, ठीक है। और अपना स्कोर कमेंट करके बताइए। वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दीजिए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, भूल जाते हैं बाद में आप लोग, ठीक है ना। मिक्स क्वेश्चन है, सारे सवाल झारखंड के ही नहीं है, कुछ क्वेश्चंस मैंने दूसरे सेक्शन से भी लिए हैं, तो इंटरेस्टिंग रहेगा सेशन। आप लोग अटेम्प्ट करिए और अपना स्कोर जरूर बताना है आप लोगों को, ठीक है। जो भी लोग नए हैं आप लोग सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे क्वेश्चंस रेगुलर बेसिस पे मिले, ठीक है। अब देखिए एक बात और बता दूं कि जितने भी सवाल आप देख रहे हैं सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ठीक है। मैंने उसको थोड़ा बहुत ट्विस्ट किया है, क्वेश्चन को थोड़ा बहुत घुमा करके पूछा है, लेकिन कंटेंट सारा प्रीवियस ईयर ही है, खास करके झारखंड का। तो कोई कंप्लेन ना करें कि ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे या फिर ये PCS लेवल का प्रश्न है, ऐसी कोई बात नहीं है। सारा JSSC का क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और आज की वीडियो में ही नहीं, पहले वाले वीडियोस में भी जो भी क्वेश्चन है सब JSSC का ही है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जामताड़ा में किसने खून और आंसू इस नाम से पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट किया था, खून और आंसू के नाम से। ये पूछा हुआ सवाल है, अटेम्प्ट करिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये सवाल तो मैक्सिमम लोग सही करेंगे, और जैसा कि मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया, चैनल का नाम आप सब जानते हैं परीक्षा साथी, प्लीज़ आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली चैनल को मैं और ज़्यादा बेहतर बनाने का प्रयास करूँगा। MN रॉय आप सब इस नाम से वाकिफ़ होंगे, ये अगेन एक कम्युनिस्ट नेता हैं, बहुत बड़े नेता थे, ठीक है। लेबर रिफॉर्म्स के लिए इन्होंने बहुत आवाज़ें उठाई थी। अब ये MN रॉय जो है, इन्होंने एक डेमोक्रेटिक रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की नींव रखी थी। तो झारखंड के किस जिले में इन्होंने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की नींव रखी थी, और ये भी याद रखना है कि रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की नींव किसने रखी थी, तो MN रॉय ने रखी थी, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा, आंसर करिए, मैं आंसर बाद में बताऊँगा। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में वहाबी आंदोलन के प्रसार का दायित्व किसे सौंपा गया था, ठीक है। वहाबी आंदोलन के प्रसार का दायित्व ये झारखंड में किसे सौंपा गया था, आपको बताना है। वहाबी आंदोलन आपको पता है कि पूरे इंडिया में ये चला था, तो झारखंड में ये काम किसने किया था आपको बताना है। सबरीमाला मंदिर, अब ये देखिए थोड़ा GS वाला क्वेश्चन आ गया, सबरीमाला मंदिर का निर्माण किसने कराया था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था सबरीमाला मंदिर और हमेशा रहता है, कारण क्या आप सबको भी पता है, तो आपको बताना है कि निर्माण किसने कराया था, अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन आपको बताना है। वैसे तो इस मंदिर का निर्माण माना जाता है कि परशुराम ने करवाया था, ठीक है, लेकिन ये गिवन जो चार ऑप्शन है इनमें से कौन से राजा हैं जो कि आप लिंक कर सकते हैं सबरीमाला मंदिर से, इसका जवाब आपको देना है, ठीक है। अब GS का देखिए कोई और छोर नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है, ये तो आपकी पोटेंशियल पर डिपेंड करता है कि आप कितना GS पढ़ सकते हैं और कितने टॉपिक्स को आप कवर करके याद रख सकते हैं, ठीक है। तो प्रयास करिए, जितना हो सकता है क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, भारत का पहला कौन सा है, ये आपको बताना है। मुझे लगता है कि आप में से मैक्सिमम लोग बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेलिन, ठीक है। टेलिन ये किस देश की राजधानी है, टेलिन किस देश की राजधानी है, अगेन आपको ये बताना है। राजधानी से तो एक सवाल आना ही आना है, कोई नहीं रोक रहा है, और करेंसी से भी एक क्वेश्चन आएगा, कोशिश किया जाना चाहिए कि यहाँ से सही सही अटेम्प्ट कर लिया जाए ताकि इसका लॉस हमें बियर ना करना पड़े। बाकी देखा जाता है एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। अभी तक का जो ट्रेंड है मैंने देखा है झारखंड के एग्ज़ाम में यूरोप के कंट्रीज़ को फोकस किया जाता है, ठीक है। तो अच्छे से एक बार देख लीजिएगा जितना हो सकता है। चैनल को अगेन फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग परीक्षा साथी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलते रहें। अब पाकिस्तान का पेशावर शहर, ये नाम तो आप सब जानते हैं, पेशावर बहुत ही फेमस शहर, ये किस प्रोविंस में आता है, ठीक है। किस प्रोविंस का ये पार्ट है आपको बताना है, और पड़ोसी देश भी आपको प्रिपेयर करना है, तो ऐसे सवाल बन सकते हैं, बाद में इसका आंसर देखेंगे। अंतिम सवाल कंप्यूटर से है, आपको अटेम्प्ट करना है। कंप्यूटर का अंतिम सवाल क्या पूछ रहा है कि क्या प्रेस करने पे MS वर्ड में ये हेल्प वाला विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। F1, F3, F2 है ये और F4 है, ठीक है। अटेम्प्ट करिए, टोटल 10 क्वेश्चन हो गए। अब आप लोग अपने आंसर को मिला लीजिए कि किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। और स्कोर आपको बताना है कमेंट में। भारत छोड़ो आंदोलन के जामताड़ा में जो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे उनका नाम था सत्यकली बाबू,
ये नाम याद रखना है, जामताड़ा में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन था, सत्यकली बाबू का ये नाम रट लीजिएगा। लेकिन ये जो पैम्पलेट है खून और आंसू, ये नरसिंह राय ने छपवाया था और बंटवाया था, ठीक है। ये दोनों सवाल पहले पूछा गया, याद रखिएगा। सेलवाला रॉय ये आपका संथाल परगना से संबंधित है, और नमक कानून जब गांधी जी ने तोड़ा था तो भारत सॉरी झारखंड में भी अलग अलग हिस्से में अलग अलग लोगों ने इसको सपोर्ट किया था, तो उसमें से सेलवाला रॉय संथाल परगना में एक्टिव थी, नमक कानून इन्होंने वहाँ पे तोड़ा था। सोनार सिंह खरवार आपके पलामू में एक्टिव थे, इन्होंने पलामू में नमक कानून को तोड़ा था। ये दोनों सिविल डिसोबीडियंस से संबंधित है, और ऊपर वाला ये क्विट इंडिया मूवमेंट से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नरसिंह राय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आपका आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा पूछा हुआ सवाल है, 1915 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें बताने लायक कुछ है नहीं, और आप इसको जानते भी होंगे। एमएन रॉय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की नींव कहाँ रखी थी, तो ये रामगढ़ में जब 53वां अधिवेशन कांग्रेस का हो रहा था, आप सब जानते हैं 1940 में, तो देश भर के जितने भी बड़े नेता सब वहाँ पे आए थे, तो उसी अधिवेशन में ही उन्होंने इस चीज़ की नींव रखी थी। और भी बहुत सारे काम हुए थे उस अधिवेशन में, कोशिश करिएगा आप लोग गूगल करें, और आपके राज्य में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसके डिटेल्स को देखें, जेपीएससी के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी लोग जेपीएससी के लिए सीरियस है, जेपीएससी तो देखिए आना ही आना है, चुनाव से पहले होगा, 100% होगा, तो जो भी लोग जेपीएससी के लिए सीरियस है आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मैं बहुत ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मैं ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रहा हूं कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि अब जेपीएससी के कैंडिडेट को कौन पढ़ा सकता है, सब अपने आप में पढ़े हुए रहते हैं, ठीक है। मैं बस आपको कंटेंट कुछ प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे हो सकता है कि आपका कुछ बेहतर रिवीजन हो जाए, आप चीज़ों को अच्छे से रिकॉल कर लें, ठीक है। बस यही कोशिश रहेगी, पढ़ाना वढ़ाना नहीं है, क्योंकि आप सब पहले से जानते हैं। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हल्दर एस एन हल्दर ने इसका गठन किया था, ये 1920 में था, ठीक है। इस तरह के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं आप नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज भूल जाएंगे। झारखंड में वहाबी आंदोलन का प्रसार का दायित्व किसे सौंपा गया था, तो ये आपके शाह मोहम्मद हुसैन है। वहाबी आंदोलन आप सब जानते हैं कि ये 1786 के आसपास, ठीक है, 1786 से 1800 लगभग 31 तक ये चला था, 1786 से 1831 तक ये वहाबी आंदोलन चला था, और सर सैयद अहमद ने इसको स्टार्ट किया था। अब नेक्स्ट है सबरीमाला मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, राजा राजशेखरा, ठीक है, राजशेखरा का नाम याद रखिएगा, इन्होंने करवाया था। अब भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, देखिए इसमें आप लोग एक मार्क्स ले लीजिएगा, क्योंकि इसका आंसर जिम कॉर्बेट तो होगा ही, और जिम कॉर्बेट का ही पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, और शायद 1936 में ये पहला नेशनल पार्क बना था, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, हेली नेशनल पार्क का ही नाम बदल करके जिम कॉर्बेट कर दिया गया था। टेलिन जो ये किसकी राजधानी है, तो देखिए लेटिविया की राजधानी का नाम है रीगा, RIGA, इसका आंसर टेलिन एस्टोनिया हो जाएगा, और लिथुआनिया की राजधानी हो जाएगी विलिनियोस, देख लीजिएगा आप लोग, और फिनलैंड का हेलसिंकी, फिनलैंड का तो काफ़ी फेमस है हेलसिंकी, आप लोग जानते होंगे। पाकिस्तान का पेशावर ये आपका खैबर पख्तूनवा में, टोटल 5 प्रोविंस हैं, 4 प्रोविंस यहाँ नाम लिखा गया और एक गिलगित बाल्टिस्तान है आपका, टोटल 5 प्रोविंस है। लाहौर इस्लामाबाद जो राजधानी है, लाहौर बहुत फेमस सिटी, ये पंजाब में है, ठीक है। कराची आपका सिंध में पड़ता है, ठीक है, और बलूचिस्तान में आपका एक बहुत फेमस शहर केटा है, UUETA, मैंने मैप लगा दिया है, एक बार देख लीजिएगा कौन पूरब में है, कौन पश्चिम में है, कौन उत्तर दक्षिण, ये सारा चीज़ देख लीजिएगा, सवाल बन सकता है। ये आपका नेक्स्ट है कि क्या प्रेस करने पे हेल्प विंडो ओपन हो जाएगा, एमएस वर्ड में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा F1 प्रेस करने पे ओपन हो जाएगा। टोटल 10 सवाल हो गए, अटेम्प्ट आप लोगों ने किया होगा, आई गेस कि आप लोगों ने ज़रूर अटेम्प्ट किया होगा। अपना स्कोर आप बताएं, कितना स्कोर आपका आया है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है ये भी बताएं, और कौन से क्वेश्चन आप लोग चाहते हैं कि साइंस के क्वेश्चन मैं पूछूं, मैथ्स के क्वेश्चन मैंने नहीं डाले हैं, क्योंकि बहुत कम लोग आंसर वगैरह बताते हैं, तो हो सकता है आप लोग मैथ्स सॉल्व करने में उतना इंटरेस्टेड नहीं हो। तो जो भी आप चाहते हैं फीडबैक अपना कमेंट में दें, लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।